इतने वीडियो लेके, तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप लोग जिगल मूवमेंट को अच्छे तरीके से कर सकते हो और आप लोग अपनी जिगल मूवमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप लोग अच्छे तरीके से जिगल मूवमेंट कर सकते हो जिससे आप लोग इजीली बंदे टेक डाउन कर पाओ और आप लोग इजीली चिकन डिनर निकाल पाओ, हर एक फाइट जीत पाओ और आपका क्लोज रेंज एकदम ओपी हो जाए। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते बिना किसी देरी के। तो भाई अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। भाई बात करते हैं पॉइंट नंबर वन की। तो भाई पॉइंट नंबर वन में लोग मेरे से पूछते कि भाई जिगल तेज करना चाहिए, धीरे करना चाहिए, कैसे जिगल करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर भाई आप लोग बहुत जल्दी जल्दी जिगल करोगे तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप जल्दी जल्दी जिगल करोगे तो भाई बंदे को आप लोग एक ही जगह खड़े होगे, बस आप हल्का हल्का राइट लेफ्ट होगे। अगर आप गाइस धीरे धीरे जिगल करोगे, मतलब थोड़ी देर में आप पहले सबसे पहले राइट जाओ, उतनी देर में आप वापस आके लेफ्ट जाओ, तो भाई वो सबसे बढ़िया चीज़ होती है जिगल करने की। तो भाई अब मैं आपको ड्रिल्स बताऊंगा, तो आप लोग देख लेना कि मैं कैसे जिगल मूवमेंट करता हूं, भाई वो सबसे बढ़िया तरीका है। और अगर आप लोगों को ठीक करना है तो भाई ये तीन ड्रिल्स को जरूर आप लोग ना 2 वीक तक, अगर आप लोग इन ड्रिल्स को 2 घंटे तक प्रैक्टिस करोगे रोज, तो भाई आप लोग ना भाई एकदम ओपी हो जाओगे, एकदम आपका जिगल एकदम बेहतरीन हो जाएगा। तो चलो ड्रिल्स की बात करते हैं। तो गाइस ड्रिल नंबर वन में आपको इस बोर्ड के पास आ जाना है और देन आप लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे करके जिगल देना है। आप इस तरीके से जिगल दोगे तो आप लोगों का ये करेक्ट वे। भाई कुछ लोग ना बहुत जल्दी जल्दी जिगल देते हैं, तो आप लोगों को वैसा जिगल नहीं देना, आप लोगों को बोर्ड के पास आना है और धीरे धीरे जिगल देना। तो गाइस अब बात करते हैं ड्रिल नंबर टू की। ड्रिल नंबर टू में आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है टारगेट के पास और धीरे धीरे करके जिगल देते हुए आप लोगों को इन टारगेट को डाउन करना है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा पास जाना है टारगेट के और देन आप लोगों को देना, वरना आप लोगों के फायर मतलब शॉट्स नहीं लगेंगे, क्योंकि भाई थोड़ा बुलेट वो स्प्रेड हो जाएगी और फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way. तो गाइस ड्रिल नंबर थ्री में आप लोगों को यहाँ पे टारगेट के पास आ जाना है, गन को पीछे रख लेना और देन आपको ट्रेस करना है टारगेट को। आप लोगों को गन को पीछे रख के आपको क्रॉस ईयर से ट्रेस करना है जिगल देते हुए, इससे आप लोगों की जिगल देते हुए एम ट्रेसिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी।